दोस्तों, स्पेस, एलियंस, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में जानने के लिए साइंटिस्टों की रुचि कभी भी खत्म नहीं होगी और शायद हमारी भी। इसी के चलते दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू हो गया है। तो चलिए समझते हैं क्यों खास है यह टेलीस्कोप इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप दुनिया के दो महाद्वीपों पर बन रहा है। इस विशाल टेलीस्कोप का नाम है द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट में से एक कहा जा रहा है। साल 2028 में निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। दक्षिण अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बटा हुआ यह टेलीस्कोप एस्ट्रोफिजिक्स की कुछ सबसे बड़े और अनसुलझे सवालों का जवाब देगा। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि यह टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर जीवन खोजने में भी कारगर साबित होगा। साथ ही इसके मदद से एलियंस का भी पता लगाया जा सकेगा। इसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा SKA मिड एरे, जो दक्षिण अफ्रीका की कारू रेगिस्तान में बनेगा, और दूसरा हिस्सा SKA लो एरे, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से उत्तरी दिशा में बन रहा है। इस टेलीस्कोप को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल यंत्रों को बेहद खास कंपनियां ही बना सकती हैं। दोस्तों, उन कंपनियों के सिलेक्शन में ही 3 दशक लग गए। दोस्तों, कैथरीन सेरस्की इस प्रोजेक्ट की प्रमुख हैं। उनका कहना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक यंत्र है। दुनिया भर में 30 सालों की प्लानिंग और 18 महीने लगातार काम करने के बाद इसका काम शुरू हो पाया। टेलीस्कोप की शुरुआती संरचना में करीब 200 पैराबोलिक एंटीना और 131,000 डिस्पोल एंटीना शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य सैकड़ों हजार वर्ग किलोमीटर का प्रभावी कलेक्टिव एरिया बनाना है। इस टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में अपने लक्ष्यों की जांच करने के लिए अद्भुत सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन मिलेगा। यह मोटे तौर पर 50 मेगा हर्ट्ज से लेकर 25 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा। इन तरंगों के जरिए नए ग्रहों, उल्कापिंडों, एलियंस दुनिया की खोज हो पाएगी। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर खगोलीय स्रोतों से आने वाले बेहद हल्के रेडियो सिग्नल्स का पता लगाने में सक्षम होगा। इसमें बिग बैंग के बाद शुरुआती कुछ 100 मिलियन वर्षों के सिग्नल भी शामिल होंगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।